छात्रों, बही खाता लेखाकर्म कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम इकाई 2 अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं, साझेदारी फर्म के लेखांकन के मूल तत्व के अंतर्गत। यहाँ हम जानेंगे ख्याति के बारे में, गुडविल। ख्याति क्या कहलाती है या ख्याति से आशय क्या है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। जो विधियाँ हैं वो तीन प्रकार की हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। ये क्या होती है इनको हम जानेंगे, साथ ही ख्याति मूल्यांकन को व्यवहारिक रूप से हम ख्याति किस प्रकार से उसका मौद्रिक मूल्यांकन निकालते हैं, इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले जानते हैं कि जो ख्याति का मूल्यांकन है वो किन स्थितियों में किया जाता है। ख्याति जो है इसकी आवश्यकता जो है किन किन स्थितियों में होती है, तो सबसे पहला जैसा कि पिछले अध्याय में बताया था, साझेदारों के लाभ व्यवहानी अनुपात में परिवर्तन होने पर, फिर साझेदारों के प्रवेश करने पर, फिर साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर, फिर इसके बाद साझेदार की मृत्यु हो जाती तो इस स्थिति में, और इसके अलावा साझेदारी फर्म के समापन पर जब व्यवसाय का विक्रय हो रहा तब इस स्थिति में इसका मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही साझेदारी फर्म का यदि संविलयन या विलय किसी अन्य फर्म में किया जा रहा है तब इस स्थिति में हम मूल्यांकन ख्याति का करते हैं। ख्याति के जो मूल्यांकन की विधियां हैं वो तीन प्रकार की हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। तो यहाँ हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी जो इसकी विधियां हैं, औसत लाभ विधि, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है। ये सामने है ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि को जो दो भागों में बांटा है, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि और अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। इसके माध्यम से हम पांच प्रकार से ख्यातियों के मूल्यांकन को करते हैं, जो कि ये ख्याति के मूल्यांकन की विधियां कहलाती है। तो सबसे पहले यहां हम चलते हैं कि औसत लाभ विधि क्या है। औसत लाभ विधि, इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो एक फर्म का पिछले कुछ वर्षों का लाभ है उसका हम औसत लाभ निकालते हैं। औसत लाभ क्या है, विभिन्न वर्षों के लाभ को हम आपस में जोड़ते हैं और फिर उसमें उतने वर्षों का हम भाग दे देते हैं। यहाँ देखिए आप, औसत लाभ कितने वर्षों के आधार पर निकाला जाएगा यह साझेदारों के मध्य हुए अनुबंध पर निर्भर करता है। प्रायः इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन के लिए औसत लाभ जो है 3, 4 या 5 वर्षीय अवधि को मानकर दिया जाता है। औसत लाभ निकालने के पश्चात ख्याति की गणना करने हेतु क्रय के वर्षों ईयर्स ऑफ परचेस का निर्धारण किया जाता है। क्रय के वर्षों का निर्धारण सामान्यतः इस अवधारणा को मानकर किया जाता है कि यदि कोई नया व्यवसाय वर्तमान में स्थापित किया जाए तो उसे विद्यमान व्यवसाय के समान आने में कितने वर्ष लगेंगे। सामान्य तौर पर यह अवधि 3 से 5 वर्ष की हो सकती है। तो ख्याति का मूल्यांकन करने की ये सबसे सरलतम विधि है और सामान्य तौर पर इसी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए क्या करते हैं, हम निर्धारित गत वर्षों का लाभ जोड़ देते हैं। पिछले 3 वर्ष या 5 वर्ष का जो भी लाभ है उसको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि बीच में किसी वर्ष में कोई हानि हो गई है तो उसको हम क्या करेंगे, हानि को हम घटा देंगे। इस विधि से ख्याति की गणना के लिए जो है निम्न कदम हम अपनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, निर्धारित अवधि या वर्षों के लाभ को जोड़कर व हानि को घटाकर कुल लाभ की हम गणना करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि 3 वर्षों का लाभ 5,000, 10,000, 15,000 है तो यहाँ पर 15, 10, 25 और 5, 30। अब चौथे वर्ष का लाभ मान लीजिए 5,000 की हानि है तो उसमें हम 5,000 माइनस कर देंगे तो टोटल कुल लाभ जो हो गया, सकल लाभ यहाँ पर कितना हो गया, 25,000। तो पहला कदम ये हो गया कुल लाभ की गणना करना। दूसरा औसत लाभ की गणना करना, अर्थात जितने वर्षों का हमने लाभ और हानि को मिलाकर जोड़ा है उसमें हम उतने वर्षों का क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो भाग देने के पश्चात जो अमाउंट आएगा तीसरी स्थिति में औसत लाभ को निर्धारित वर्ष अर्थात दुगने या तिगने दिया जैसा हो उस आधार पर गुणा करके हम ख्याति की गणना कर लेते हैं। तो यहाँ ये सूत्र दिया है जो आपको
ख्याति गणना का सूत्र, औसत विधि द्वारा ख्याति की गणना निम्न सूत्रों से की जाती है, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। तो ये विधि है औसत लाभ विधि। इसमें हम एक जुड़े हुए से कुछ व्यवहारिक प्रश्नों को देखेंगे। ये है, यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है आपके सामने, एक फर्म की ख्याति का मूल्य जो है 5 वर्ष के औसत लाभ के दुगने के बराबर होगा। यस, ध्यान दें, औसत लाभ के दुगने के बराबर। तो पिछले 5 वर्ष का जो लाभ है 15,000, 12,000, 17,000, 16,000 और 15,000 रुपए, तो ख्याति का हमें मूल्य निकालना है। पिछले 5 वर्षों के लाभ का जो योग है, यहाँ पर 15,000, 12,000, 17,000 प्लस 15,000, ये सब हमने क्या किया, टोटल कर दिया। यहाँ पर टोटल हो गया कितना, 75,000। ये ध्यान दें, यहाँ पर पूरे जो क्रम से 5 साल है, उन 5 साल के लाभों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर औसत लाभ बराबर क्या बताता है हमें, कि 5 वर्षों का लाभ बटे कुल वर्ष। तो यहाँ 75,000 कुल 5 वर्ष का लाभ आया, उसमें हमने 5 का भाग दिया यहाँ पर, तो टोटल आया 15,000। तो ये औसत लाभ जो है 5 वर्षों का कितना आया, 15,000 रुपये। अब यहाँ पर ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष सूत्र है। तो ख्याति का मूल्य 15,000 × 2 = 30,000 रुपये। ये इस प्रकार से ये ख्याति जो है वो 30,000 रुपये निर्धारित हो। दूसरा सवाल है, यहाँ एक फर्म की जो ख्याति गत वर्ष 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुनों के बराबर आंकी जाती है। कितना, 3 गुने के बराबर। ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए जबकि 4 वर्ष के लाभ हानि इस प्रकार, प्रथम वर्ष में लाभ है 15, द्वितीय में 2,000 हानि है, ध्यान दें यहाँ 2,000 हानि, तृतीय वर्ष में 8,000 लाभ है, चतुर्थ वर्ष में हानि 5,000। तो यहाँ लाभ 15,000 और 8,000 और हानि 2,000 और 5,000। अब यहाँ पर हम सवाल में देखिए क्या करेंगे, 15,000 जो है पहले वर्ष का लाभ हो गया, -2,000 ये दूसरे वर्ष की हानि हो गई, तीसरे वर्ष का लाभ हो गया 8,000 और हानि हो गई चौथे वर्ष की 5,000। तो यहाँ पर हमने देखा 15,000 + 8,000 जो है कितना हो गया, 23,000। इस 23 में से हमने 5 और 2 = 7,000 माइनस कर दिया, तो ये बचा कितना, 16,000। ठीक, यहाँ जो लाभ हुआ उस लाभ को हमने जोड़ दिया और जो हानि हुई उस हानि को जोड़कर उस लाभ में से घटा दिया, तो 16,000। तो औसत लाभ बराबर 4 वर्षों का है, 16,000 × 4 = 4,000। तो ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष अर्थात 4,000 × 3 = 12,000। तो ये 12,000 रुपये जो है औसत लाभ विधि के अनुसार जो है ख्याति की राशि है। अब यहाँ पर हम दूसरी विधि देखेंगे, अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि क्या कहलाती है, इस विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना उस अतिरेक लाभ पर की जाती है जो एक व्यवसाय सामान्य परिस्थिति में सामान्य लाभ के ऊपर अर्जित करता है। हर व्यवसाय में व्यवसायी जो पूंजी लगाता है तो उस पर एक निश्चित दर से एक लाभ का प्रत्याय दर वो तय करके लगता है, वही कहलाता है सामान्य। यहाँ पर जो है वो कहलाता है सामान्य लाभ। अब यहाँ पर जो उसको प्रॉपर लाभ होता है उसमें से उसको हम माइनस करते हैं तो वो कहलाता है अधिलाभ। तो प्रत्येक व्यवसाय में लाभ की एक प्रचलित दर होती है जिसके द्वारा व्यवसाय का सामान्य लाभ ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए सूत्र है अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ क्या है, जो पिछले 4-5 वर्षों का जो लाभ का औसत है, और सामान्य लाभ क्या है, जो पूंजी लगाई है उस पर जो सामान्य लाभ की प्रत्याय दर है वो सामान्य लाभ। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले व्यापार में सामान्य लाभ की गणना करते हैं। सामान्य लाभ विनियोजित पूंजी पर निर्धारित लाभ की दर से निकाला जाता है। सामान्य लाभ जो है विनियोजित पूंजी पर निर्धारित लाभ की दर से निकाला जाता है। दूसरा है औसत लाभ की गणना कीजिए। अब यहाँ पर हम औसत लाभ की गणना करेंगे, तो पूर्व में हम औसत लाभ की गणना देख ही चुके हैं किस प्रकार से औसत लाभ निकालते हैं। फिर इसके बाद हम अधिलाभ की गणना करेंगे। अधिलाभ के लिए ये सूत्र दिया आपको, अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो इससे हम क्या निकालेंगे, अधिलाभ। फिर औसत लाभ का सामान्य लाभ पर जो अधिक है वो क्या है, अधिलाभ है। अब इसमें हम ख्याति की गणना करेंगे, अधिलाभ को दिए वर्षों के क्रय से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा अधिलाभ विधि के आधार पर ख्याति की गणना। अब इससे जुड़े हुए हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे।
उदाहरण एक दिया है, एक फर्म की विनियोजित पूंजी अर्थात जो फर्म में उसने पूंजी लगाई है वो कितनी है, 4 लाख रुपए। और उसने ये अंदाज लगाया है कि जो 4 लाख रुपए की उसने पूंजी लगाई है उस पर वो 12% की दर से सामान्य तौर पर लाभ प्राप्त कर सकता है। अब दिया है विगत 4 वर्षों का वास्तविक औसत लाभ 52,000 रुपये है, यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी औसत लाभ 52,000 रुपये। इस समझौते के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय पर किया जाता है, ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए व्यापार का सामान्य लाभ, यहाँ जो हमारी विनियोजित पूंजी थी 4 लाख, उस पर जो ब्याज की दर है मतलब इस दर से लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए 12% की दर से, तो 4 लाख गुणित 12/100 मतलब ये सामान्य लाभ हमारा आ गया 48,000 रुपये। अब वास्तव में औसत लाभ कितना है, 52,000 रुपये है। तो यहाँ सूत्र जो हमारा है अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो इसमें हमने माइनस किया 52,000 - 48,000, औसत लाभ दिया है सवाल में 52,000 और अभी हमने निकाला यहाँ सामान्य लाभ 48,000, तो बराबर 4,000। तो यहाँ ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, जो 4,000 हमारा अधिलाभ आया उसमें हमने 2 का गुणा किया, 2 वर्ष के बराबर है, तो ये 8,000 रुपये ख्याति हमें यहाँ प्राप्त हो गया। ये हो गया अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। एक और सवाल यहाँ हम देखेंगे, यदि इसी विधि से एक फर्म की पूंजी 80,000 रुपये है, औसत लाभ 9,000 है, ऐसे व्यापार पर 7.5% 7/1/2% आय अपेक्षित है, यदि ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्ष के औसत अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के बराबर है तो ख्याति का मूल्य बताइए। यहाँ वही प्रक्रिया हमने अपनाई, सामान्य लाभ निकालने के लिए 80,000 × 7/1/2% ये परसेंटेज निकाला, इसका 6,000 रुपये हमारा क्या आया, सामान्य लाभ। औसत लाभ ये 9,000 रुपये सवाल में दिया हुआ है, तो ये हमने निकाला यहाँ पर 3 वर्षों का औसत अधिलाभ निकाल लिया हमने, 9,000 - 6,000 ठीक, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो ये आया 3,000 रुपये। अब यहाँ पर ख्याति का मूल्य 3 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 गुने के बराबर अर्थात 3,000 × 3 = 9,000 रुपये, तो ये अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति की गणना है। इसके बाद अब तीसरी और अंतिम जो विधि है वह कहलाती है पूंजीकरण विधि। इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि के अनुसार बचाई गई पूंजी ही क्या है, ख्याति है। प्रत्येक फर्म अपने व्यवसाय में कुछ पूंजी विनियोग करके व्यवसाय को चलाता है और पूंजी का उचित प्रयोग करके लाभ अर्जित करता है। यदि फर्म के मुकाबले कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ कमाती है तो यहाँ उतनी पूंजी की बचत उसकी ख्याति मानी जाती है। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि एक फर्म में व्यवसायी जो पूंजी लगाकर व्यवसाय चलाता है वो उस पूंजी का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। अब यहाँ यदि फर्म में कम से कम पूंजी लगाकर अधिक से अधिक लाभ वो कमाता है तो जितनी पूंजी उसकी बच रही है वो उसकी क्या है, ख्याति। इस विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की 2 विधियाँ प्रचलित हैं, एक है औसत लाभ का पूंजीकरण और दूसरा है अधिलाभ का पूंजीकरण। तो पहली जो औसत लाभ का पूंजीकरण है, इस विधि के अनुसार पूंजीकृत औसत लाभ का वास्तविक विनियोजित पूंजी पर आधिक्य ख्याति जो है वो मानी जाती है। अन्य शब्दों में जो हमने पूंजी लगाई है अर्थात शुद्ध संपत्ति को औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य में से घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर विनियोजित पूंजी जो है इसका सूत्र यहाँ देखें, साधारणतः विनियोजित पूंजी दी हुई होती, यदि विनियोजित पूंजी नहीं दी है तो इसकी गणना हम इस प्रकार करेंगे, विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति ख्याति छोड़कर व्यवसाय की जो संपत्ति है उसको हम दायित्व बाह्य दायित्व से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, व्यवसाय की विनियोजित पूंजी। फिर दूसरा सूत्र इसमें आता है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य, यहाँ हम औसत लाभ ज्ञात करेंगे और फिर जो सामान्य ब्याज की दर है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो है पूंजीकरण मूल्य आ जाएगा। तो फिर इसके बाद ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, ये हम करेंगे तो यहाँ पर ख्याति हमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें जो दूसरी विधि है अधिलाभ का पूंजीकरण, ये पूंजीकरण विधि जो है इसके द्वारा ख्याति की गणना करने की वैकल्पिक विधि है। इस विधि द्वारा ख्याति की राशि वही होगी जो अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा प्राप्त होती है।
इस विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना जो है हम निम्न सूत्रों के द्वारा कर सकते हैं। ख्याति बराबर अधिलाभ बटे सामान्य ब्याज दर गुणित 100। ये क्या है? अधिलाभ का पूंजीकरण। अब यहां हम इससे जुड़े हुए दो व्यवहारिक प्रश्नों को देखेंगे। यहां पर एक फर्म का जो है औसत लाभ 40,000 रुपये, फर्म की कुल संपत्तियां 6 लाख और 40 दायित्व 2,80,000, अपेक्षित आय दर कितनी है 10%। निम्न के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए, नंबर एक औसत लाभ द्वारा, दूसरा अधिलाभ द्वारा। तो सबसे पहले हम यहां पर औसत लाभ विधि के द्वारा देखते हैं। तो औसत लाभ विधि के द्वारा जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? विनियोजित पूंजी। अब चूंकि सवाल में यहाँ विनियोजित पूंजी नहीं दी, तो यहाँ जो सूत्र था हमारा विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो कुल संपत्ति ये 6,000 दी है, कुल दायित्व 2,80,000 दी है, तो ये टोटल कितना हो गया? 3,20,000। ये क्या निकला है? 6 लाख में 2,80,000 माइनस किया तो औसत लाभ के आधार पर हमें विनियोजित पूंजी यहाँ प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर औसत लाभ का हम पूंजीकरण मूल्य निकालेंगे। तो हमारा जो व्यवसाय में संलग्न पूंजी है वो कितनी है? औसत लाभ कितना है? 40,000 रुपये। तो सूत्र क्या कहता है? औसत लाभ गुणे 100 बटे सामान्य ब्याज दर। तो यहाँ पर 40,000 और औसत लाभ गुणे 100 बटे सामान्य ब्याज दर, 40,000 गुणे 100 बटे 10 बराबर ये कितना आ गया? 4 लाख। ये 4 लाख क्या आया? औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य, अर्थात जो हमें औसत लाभ प्राप्त हुआ है उस औसत लाभ में कितनी पूंजी लगना चाहिए। तो ये हमें बता रहा है कि यदि 40,000 रुपये औसत लाभ है तो 10% की दर से जो है विनियोजित पूंजी कितना होना चाहिए? 4। तो यहाँ ख्याति बराबर सूत्र है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो हमारे पास औसत लाभ का हमने पूंजीकरण मूल्य ज्ञात कर लिया 4 लाख और विनियोजित पूंजी हमने निकाल ली 3,20,000। हमने यहाँ इसमें से माइनस किया तो क्या आ गई ख्याति? 40,80,000 रुपये। तो ये हमारी क्या हो गई? ख्याति 80,000। अब इसी को हम देखते हैं अधिलाभ के आधार पर, जो दूसरी विधि हमारी है पूंजीकरण विधि के अंतर्गत अधिलाभ के द्वारा। तो यहाँ पर जो है सामान्य लाभ बराबर 3,20,000 गुणित 10/100, अर्थात विनियोजित पूंजी जो भी हमने यहाँ से निकाली थी, विनियोजित पूंजी 3,20,000 कुल संपत्ति माइनस कुल चालू दायित्व गुणित अपेक्षित आय की दर 10/100। तो सामान्य लाभ बराबर कितना आ गया? 32,000। औसत लाभ जो है वो हमारा ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है 40,000। तो यहाँ हमने औसत लाभ बराबर 40,000, तो अधिलाभ बराबर जो है 40,000 माइनस 30,000, अर्थात यहाँ पर जो है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ये क्या आ गया? अधिलाभ। जो शुरू में बताया था कि आपका औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर क्या होता है? अधिलाभ। तो ये क्या आ गया? अधिलाभ बराबर 8,000। अब ख्याति का सूत्र यहाँ पर क्या कहता है? अधिलाभ बटे सामान्य ब्याज दर गुणित 100। तो हमारा अधिलाभ जो है वो कितना है? 8,000 रुपये अभी हमें यहाँ प्राप्त हुआ बटे 10, जो यहाँ पर अपेक्षित आय दर 10% दी थी ये, तो 8,000 बटे 10 गुणित 100 बराबर 80,000 रुपये। तो ये दूसरा हमारी अधिलाभ विधि के आधार पर जो है यहाँ पर 80,000 रुपये की ख्याति हमें प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर हमने जाना कि तीनों विधियों के आधार पर, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना हम किस प्रकार से करते हैं, इसको यहाँ पर हमने सैद्धांतिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर दोनों रूपों में जाना। यहाँ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो है, साझेदारी फर्म की दशा में ख्याति का मूल्यांकन किन स्थितियों में किया जाता है, अर्थात ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जिन स्थितियों में हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। दूसरा जो अभी मैंने बताया ख्याति के मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं, औसत लाभ विधि, अभिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, इनको उदाहरण सहित आपको विस्तार से समझाना है और अंत में ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों के अंतर्गत अभ्यास के प्रश्नों को हल करना है। ख्याति का मूल्यांकन जो हम व्यवहारिक तौर पर देखेंगे उनको आप विभिन्न विधियों के अंतर्गत अभ्यास के तौर पर आप उन्हें हल आपको करना है।